वही बुधवार को नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता कर आने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति को सार्वजनिक किया। साथ ही वो इस दौरान विरोधियों पर भी हावी रहे। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। ग्रुप डी की नौकरियों का जिक्र भी किया और कहा कि रोजगार के नाम पर पहले युवाओं को सरकार ने परेशान किया है। एसवाईएल के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने एक बार फिर आंदोलन करने की बात कही है और कहा कि एसवाईएल दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा है और जब तक एसवाईएल का पानी नहीं मिलता तब तक इनेलो का संघर्ष जारी रहेगा। हमने एसवाईएल को लेकर के लंबे समय तक अलग अलग चरणों के अंदर आंदोलन चलाए। दो वर्ष तक तो राव इंद्रजीत भी एसवाईएल के ऊपर चुप्पी साधे रहे। उन्होंने एसवाईएल के ऊपर कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अब जो है और चुनाव सर पे होने की वजह से राव इंद्रजीत को भी प्रधानमंत्री के मंच के ऊपर एसवाईएल नहर का जिक्र करना पड़ा, तो वो इस दक्षिणी हरियाणा की जो जीवन रेखा है उसके लिए आश्वासन देकर के जाए। हमारी पार्टी का एक फैसला है कि जब तक एसवाईएल का पानी नहीं मिलेगा तब तक हम लगातार लोगों को साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो एग्जाम है जिसका नाम है सीटेट का एग्जाम, तो एक बार पास करने के बाद फिर दोबारा आपको ताउम्र पास करने की जरूरत नहीं है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर इस एग्जाम के लिए एक शर्त रखी गई है कि 5 वर्ष तक ही ये वैलिड रहेगा, उसके बाद नए सिरे से फिर सीटेट किसका एचटेट का दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और कर दी, उसमें 1000 रुपया जो है जो इसका एग्जाम के लिए अप्लाई करता है उससे 1000 रुपया भी लिया जाता है, जबकि एक बार जिसने पास कर लिया उससे तो फिर पैसा लेना ही नहीं चाहिए। और पैसा कोई अगला एग्जाम पास करने जा रहा है अपना भाड़ा लगा के जा रहा है, सरकार की तरफ से एक एग्जाम रखा गया है उसके लिए पैसे किस चीज़ के? सरकार का काम पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देना, सुविधाएं देना है, ना कि उनसे पैसे लेना है। ये सरकार तो 24 घंटे इस हाय तौबा में लगी हुई है कि कैसे लोगों की जेब से पैसा निकले, कैसे सरकारी खजाने में जाने की बजाय इनके जेब में आए। अभी मेयर का चुनाव होगा, हम तो अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। मुझे लगता है जो कुछ चंद लोग इस किस्म की भाषा जो बोल रहे हैं इन्हें लोग कमजोर होगी, उन पे तो बेचारों पे ना सिंबल होगा ना डंडा होगा ना झंडा होगा, वो तो किसी का सहारा लेंगे। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमारा और बहुजन समाज पार्टी का समझौता है, हम समझौते के तहत अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे।